इस रिवर आप जो देख रहे हैं नदी है यमुना माता है। तो यमुना माता जो है भगवान कृष्ण के बहुत ही बड़े भक्त थे। जिस प्रकार गंगा माता भगवान के चरण कमल से आते हैं उसी प्रकार यमुना माता भी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। वो भगवान के पटरानी माना जाते हैं यमुना माता जी। तो एक बार बहुत बड़ा विवाद हुआ था कि गंगा नदी या यमुना नदी कौन सर्वश्रेष्ठ है। तो लोग बोले अरे गंगा नदी तो भगवान के चरण कमल से आते हैं, उनसे बड़ा कौन सर्वश्रेष्ठ हो सकता है। तो फिर बोला गया कि यमुना नदी जो है, यमुना नदी का रंग कैसा रहता है, थोड़ा डार्क रहता है। गंगा नदी का रंग कैसा रहता है, व्हाइट रहता है, मिल्क की तरह व्हाइट रहता है। तो यमुना नदी का जो कलर डार्क होने का कारण ये है कि भगवान कृष्ण यमुना नदी में इतना सारा लीला करते थे कि भगवान अपना शरीर का जो कांति है, कलर ऑफ स्किन, ये इज गिवन टू यमुना रिवर। बिकॉज भगवान कैसे रहते हैं, सांवले कलर, जिसके कारण यमुना नदी का कलर भी सांवला हो पड़ गया। बिकॉज कृष्णा डिड सो मेनी पास टाइम्स ऑफ गोपीज इन साइड द यमुना रिवर। अभी सोचिए यमुना नदी का स्तर कैसा है। इसलिए यमुना नदी को भगवान का पटरानी बोल के माना जाता है। तो ये यमुना नदी है, उसको कालिंदी भी बोलते हैं। सामने ही आप देख रहे हैं जो मंदिर दिख रहा है, छोटा सा मंदिर, वहां पर बैठे हैं टर्टल के ऊपर बैठे, कच्छों के ऊपर बैठे हैं, दिख रहे हैं, वो यमुना माता बैठे हैं। तो यमुना माता का मंदिर है, जय श्री यमुना देवी की जय। तो एग्जैक्टली 6:20 यहाँ पर यमुना आरती होगा, तब आपको यहाँ पर बैठ के यमुना आरती अटेंड कर सकते हैं। और एक यहाँ पर हाईलाइट देखिए, बीच में तो यमुना देवी का मंदिर है, दो तरफ देखिए दो डायरोमा है, दिख रहा है। एक तरफ देखिए कृष्ण बलराम गाय चराते हुए रिटर्न आ रहे हैं, गोचारण लीला है। जैसे भगवान सुबह सुबह गाय चराने के लिए जाते हैं, सब गोपियां सोचते हैं कि अरे भगवान चले गए, उनको देखने के लिए भी हमको नहीं मिल रहा है। लेकिन जैसे भगवान गाय चराते हुए आते हैं रिटर्न, सब गोपियां दरवाजे के बाहर आके देखते हैं कि भगवान अभी आ रहे हैं। बिकॉज दैट इज द ओनली टाइम दे कैन सी कृष्ण, भगवान जब जाते हैं फिर जब रिटर्न आते हैं, और बाकी टाइम तो अपने फ्रेंड्स के साथ ही रहते हैं ना। तो ये गोचारण लीला है, जो कि सीन है सनसेट हो रहा है, सूर्य अस्त हो रहा है, और कृष्ण रिटर्न आ रहे हैं यमुना के किनारे किनारे घर को रिटर्न आ रहे हैं। तो वो लीला है गोचारण लीला है। और यहाँ पर जो लीला आप देख रहे हैं ये रास लीला हमने दिखाया है, जहां पर कृष्ण गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं। रात जब हो जाता है तो अभी दिन भर तो भगवान फ्रेंड्स लोग के साथ थे, तो गोपियां बोलते हैं कि हमारे साथ कभी भी भगवान नहीं आते हैं। तो भगवान उनको संतुष्ट करने के लिए रात को भगवान बांसुरी बजाते थे और सब गोपियों को बुलाते थे और वो उनके साथ रास लीला करते थे जो सामने देख रहे हैं। बोलते कि लाखों लाखों गोपियां आते थे और जितने सारे गोपियां आते थे भगवान उतने सारे खुद को एक्सपांड करते थे और सबके साथ नाचते थे। और सभी गोपी सोचते कि मैं कितना फॉर्चुनेट है, कृष्णा इज डांसिंग विद मी लिविंग ऑल अपार्ट। एक्चुअली कृष्णा जितने सारे गोपी रहते थे उतना एक्सपांड करते थे। कभी क्या हमें कृष्ण को क्वेश्चन करते हैं भगवान ऐसा क्यों किया, अरे वो भगवान है वो कर सकते हैं, वो लाख गोपी रहते थे तो लाख कृष्णा भी बनते थे, आप बन सकते हैं क्या। तो गॉड कैन ओनली डू दैट। और अरे ऐसा नहीं कि भगवान जब ये लीला करते थे शारीरिक स्तर में हो रहा है, ये स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में होता था। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक इंस्टेंस बताऊंगा, भगवान जब एक बार रासलीला करते थे और बांसुरी बजाते थे, एक गोपी का जो पिताजी थे उनको मना करते कि आप नहीं जा पाएंगे, तो गोपी इतना इंटेंस सेपरेशन फील करती है कि उस मोमेंट में ही गोपी अपना बॉडी को छोड़ देती और उसका सोल बॉडी से निकलता है और सोल जाकर रासलीला में पार्ट लेता है। सो दिस प्रूव्स दैट रासलीला इज नॉट इन ए बॉडीली प्लेटफॉर्म, इट इज इन ए स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, जो कि सोल और सोल के बीच में रिलेशन है। तो हमको ऐसा पता नहीं रहता, हम लोग नॉर्मल देखते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसा हम बोल देते हैं, बट इट इज वेरी एक्सॉल्टेड पास्ट टाइम। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो दोनों पास्ट टाइम एक साथ देख सकते हैं, इधर का साक्ष्य रस है और उधर का माधुर्य रस है। तो अलग अलग प्रकार का रस रहता है, तो साक्ष्य रस माधुर्य रस का दोनों लीला आप एक साथ दर्शन कर सकते हैं। और इस प्रकार यमुना 6 बजे बहेगी, 6:20 को आप आएंगे तो पानी का फ्लो भी हो रहा होगा, पानी का फ्लो के साथ यमुना माता का दर्शन कर सकते हैं। और राइट ये जो घाट है इसको केसी घाट बोलते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने इसी घाट के ऊपर केसी नामक एक घोड़े को मारा था, इसलिए इसका नाम पड़ गया केसी घाट। घोड़ा नहीं है, चला गया लगता है, बाद में घोड़ा आएंगे तो देखेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा।